तो बीपीएन न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार बहुत डायरेक्टर एंड ब्यूरो चीफ हरियाणा। साथियों जैसे देश की प्रदेश की एक एक खबरों से हम अवगत कराते हैं आपको, वो सामाजिक लेवल की हो, राजनीतिक लेवल की हो, धार्मिक लेवल की हो या किसी आंदोलन लेवल की हो। तो हम आज खड़े हैं डीघल जिला रोहतक के पास में, डीघल गांव है, डीघल का यह टोल प्लाजा है। और मैं साथियों चारों ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये डीघल सरदारी बैठी हुई है, एल और साहब के बैठे हुए हैं यहाँ, और अपने दूसरे अन्य खापों के बैठे हुए हैं यहाँ पर। कुछ साथी डीघल से तो कुछ बाहर से भी, जिनमें प्रधान जी भी बैठे हुए हैं और यह सर्व समाज बैठे हुए हैं। एक कोई किसान की कोई जाति नहीं होती है, जवान की जैसे जो जाति नहीं होती है ऐसे ही किसान की कोई जाति नहीं होती है। मेरे साथ कई बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आज हम जाना चाहेंगे। मोदी नमस्कार। सबसे पहले तो आप इतनी बड़ी उम्र में इस आंदोलन को सिरा चढ़ा रहे हो, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ आपको। क्या लग रहा है सरकार से कुछ करेगी या मानेगी? मान्य सरेगा। अपना नाम बता दो। रामपुर जी कहाँ से? डीघल से। बाबू जी क्या नाम आपका? सतबीर जी। तो ये दो महीने से जो ये जनसैलाब उमड़ रहा है, 170 के लगभग हमारे किसान वीर मर चुके हैं, क्या चाहती है सरकार, क्या लग रहा है? तीन कानून है ना, आज वापिस ना होंगे तो हम उड़े रहा है जी। की बात मैं दिया, मतलब इसमें क्या लग रहा है कि मोदी सरकार अपने मानेगा? अच्छा मानेगा, मानना पड़ेगा। प्रधान जी क्या नाम है? शांत सिंह। आप कहाँ से सर? डीघल से। तो सर क्या लग रहा है आपको, ये सरकार का मतलब रवैया है जो, कैसा लग रहा है आपको? देखो जो तीन बिल है, ये किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, आम व्यापारी, छोटा दुकानदार, सबके लिए घातक है जी। इसे जनता भुगति बन जाएगी। प्रधानमंत्री ने इसके बारे में खुद सोचना चाहिए और प्रधानमंत्री का ये लक्ष्य होना चाहिए, हमारा देश कैसे तरक्की करेगा, ऐसे तरक्की नहीं करेगा। और ये बिल वापस लेने पड़ेंगे। किसान मजदूर की एकता का गठन जो आज देखा, ये इसमें बहुत उठावट पड़ी जी। प्रधान जी क्या नाम है आपका? मेरा मुख्य नाम है जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही पुराना 15 साल से कार्यकर्ता था, लेकिन इनकी विचारधारा देख सुखबीर जी 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ चल रहे थे कि मोदी देश का विकास करेगा और हम इसके साथ है। ऐसी कास्ट से बिलोंग करते हैं आप? ऐसी कास्ट से बिलोंग करते हैं। कौन सी कास्ट से सर आप? आपके समाज से। समाज कौन सी समाज से आप? सुखबीर भाई 15 साल से साथ में था, लेकिन जब देखा जो मेरे गांव का नहीं हो सकता, जो मेरे हरियाणा का नहीं हो सकता, जो मेरे जिले का नहीं हो सकता, वो बीजेपी मेरी कितना होगी, क्या डिसीजन लिया आपने? मैंने इनकी विचारधारा देखकर अपना डिसीजन लिया कि ना किसान मजदूर विरोधी गरीब की पार्टी नहीं है, विरोधी ये पूंजीपतियों की पार्टी। तो कह रहे थे ना हमारे बुजुर्ग, वो भी तो सही है। सत्ता हुआ मेरे को, मेरे बुजुर्ग कह रहे थे भाई इस पार्टी के साथ में तू गलत जुड़ रहा है, गलत जुड़ रहा है, वो सच्चाई हुई। इससे बेटर बीएसपी के साथ जुड़ जाता वो ठीक था, वो तो आगे ही बात है, लेकिन इस पार्टी के साथ में जुड़कर अपना भविष्य खराब किया और मेरे अपने बुजुर्गों का कहना नहीं माना। मैं बहुत फील कर रहा हूँ बात को। तो अभी आप पूरी तरह से सुखबीर भाई किसानों के साथ में? मैं तन मन धन से और इनके साथ हूँ, और ये किसान की नहीं, ये छत्तीस बिरादरी का ये आंदोलन हो चुका है, ये भारत की जनता की लड़ाई, भारत की जनता की लड़ाई है, प्रजा की लड़ाई है। बिल्कुल। शुभ नाम? बलराज सिंह अलाव साहब। तो अलाव साहब ये मतलब ये जो हिटलर शाही रवैया अपना रही है सरकार, क्यों हो रहा है ऐसा? अब मैं आपको कुछ चीज दे रहा हूँ जो आप नहीं लेना चाहते, मैं जबरदस्ती क्यों थोप रहा हूँ आप पे? ये जबरदस्ती हमारे किसान भाई या जो ना ये गरीब तबका हमारा, ये बिल्कुल नहीं चाहता जो ये हमारे को तोहफा दे रहे हैं, वो हम नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं इनको वापस लो जी। और जब तक ये वापस नहीं लेगा ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। और हम जहाँ तक है ये सोच रहे हैं आपके इसको वापस लेना ही पड़ेगा हर हाल में। अलाव साहब ने बताया ये भारतीय प्रजातंत्र की आवाज है। मैं अपने बीपीएन न्यूज चैनल की भी फुल फॉर्म बता देता हूँ, भारतीय प्रजातंत्र की आवाज है। और इस न्यूज के माध्यम से मैं हरियाणा सरकार को, भारत सरकार को यह सूचित करना चाहता हूँ, किसानों पर और इससे ज्यादा अत्याचार नहीं, अदरवाइज ऐसा ना हो कि कभी विनाशकारी विपरीत बुद्धि हो जाए और आप लोगों पर, इन किसानों का, इनके बच्चों का, कितने परिवारों का, और जो मृतक हो चुके हैं उनके परिवारों की बदुआएं पड़े और तुम्हारा वंश बेल तक ही मिट जाए। बढ़ते कदम सच्चाई कदम, क्योंकि देश का सब दिखाते आप। प्रेम कुमार बहुत हरियाणा जी। अब जो मेन चीज ये है कि अब हरियाणा की खपों ने अंगड़ाई ले ली है जी। ये खपे ना तो कभी मुगलों से डरी जी, ना कभी मुगलों से टूटी और ना ये कभी अंग्रेजों से टूटी। ये जाट वीर तेजा जी के वंशज है, महाराजा भरत सिंह के वंशज है, और कल
मध्य प्रदेश से भी ईश्वर सिंह जाट भी अपने काफिले के साथ में पहुंचा था हरियाणा के अंदर। अब तो अकेले जाट जाट नहीं जी, अब तो 36 बिरादरी साथ आ गई है, बिल्कुल आ गई है, बिल्कुल आ गई किसान है टोटली। जो किसान के ऊपर जो खाते कमाते हैं वो सब साथ हो गए हैं। अब सिर्फ मोदी के भागने की जारी है कि जो कहां से हवाई जहाज पकड़े उठेगा बस। तो देखिए धनखड़ साहब ने बताया कि अब उन्होंने दाढ़ी बनाना शुरू कर दिया है, इवन पैर का भगवा कुर्ता टैंक का जोहाना भर की न बाजेगा, ये स्पष्ट बता दिया है। और ऐसा हो सकता है क्योंकि 170 वीरों की कुर्बानी नाजायज नहीं जाएगी, देश उसका हिसाब मांगेगा, यूएन उसका हिसाब मांगेगा। बढ़ते कदम सच्चाई कदम, क्योंकि देश का सच दिखाते हम। प्रेम कुमार बहुत, हरियाणा।